हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पंचामृत बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या लिया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक कप हमने दही ली है, एक कप हमने दूध लिया है, एक चम्मच हमने गाय का घी लिया है। अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। एक चम्मच हमने गंगा जल लिया है, कुछ हमने तुलसी के पत्ते लिए हैं, एक चम्मच शहद लिया है, चार चम्मच हमने चीनी को पीस लिया है। आप मीठा अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में हमने आधा कप मखाना लिया है, उसको हमने कट कर लिया है छोटा छोटा, और एक चम्मच हमने नारियल लिया है, उसको भी छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। एक चम्मच हमने काजू लिया है, उसको भी छोटे छोटे पीस किए हैं। एक चम्मच ही बादाम लिया है और एक चम्मच ही हमने किशमिश ली है। एक बोल में हम सबसे पहले दही डाल लेंगे, उसके बाद हम दूध डाल लेते हैं। चीनी, आप खड़ी चीनी भी डाल सकते हो, ये मैंने चीनी का पेस्ट बनाया है। शहद डाल लेंगे, देसी घी, गंगा जल, तुलसी के पत्तों को हम छोटा छोटा तोड़ लेते हैं, तोड़ कर डाल लेते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। सबसे पहले बादाम डाल लेते हैं, फिर किशमिश डाल लेते हैं, काजू भी, नारियल, और ये मखाने भी डाल लेते हैं। अब मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान होता है पंचामृत बनाना। घर में कोई पूजा हो या फिर जन्माष्टमी पे बनाते हैं तो आप कभी भी बना सकते हैं, वैसे भी बहुत टेस्टी होता है। पंचामृत हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम तुलसी जी के पत्ते से गार्निश कर लेंगे। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।